Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं अपने अपाचे के ऊपर. तो इसकी जो हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं वो होने वाली है हमारी कुछ इस जगह के ऊपर की. तो देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन होने वाली है इस वीडियो में और क्या लुक आती है हमारी मॉडिफिकेशन की. तो जो हमारी मॉडिफिकेशन होने वाली है वो होने वाली है कुछ LED टाइप के अंदर, जो कि हम इसके ऊपर करेंगे. इसको खोल लेते हैं, इसके ऊपर हम मॉडिफिकेशन करेंगे, देखते हैं कैसे होती है फिट. तो चलिए शुरू करते हैं. एक ये एलन की और एक हमारी ये 10 नंबर की गोटी है. तो ये दो टूल लगने वाले हैं, बाकी ये हमारी एक्स्ट्रा है जो कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद इनकी. तो इन्हीं टूल की मदद से हम इसका जो है सारी इंस्टॉलेशन करेंगे. तो गाइस सबसे पहले इसे खोल लेते हैं और ये माता की चुनरी साइड कर देते हैं. देख सकते हैं यहाँ पे होली का रंग भी लगा हुआ है. भाई गाड़ी ने दिलवाई देगी जब से. तो सबसे पहले हम जो है ये दो नट खोलेंगे. तो खोल लेते हैं. तो ये दो नट खोलने के बाद हमारा जो ये पार्ट है ये बाहर आ जाएगा बिल्कुल एज इट इज़. और देख सकते हैं, और इसको पीछे से भी देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसा सा लुक आ रहा है हमारा ये पार्ट खुलने के बाद. और हम जो है इसकी दो मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, एक तो इस जगह के ऊपर करने वाले हैं और सेकंड मॉडिफिकेशन होने वाली है हमारी इस जगह के ऊपर की. जो सबसे पहले इसके ऊपर जो मॉडिफिकेशन करेंगे वो फिट कर लेते हैं, जो कि हमारी है एक LED लाइट जो कि इसके ऊपर लगेगी. तो जो हमारा मॉडिफिकेशन का पार्ट होने वाला है वो होने वाला है ये, जो कि है एक LED लाइट. तो इसको खोल के देख लेते हैं हम. तो कुछ इस टाइप की होने वाली है हमारी ये. और यहाँ पे पीछे इसके डबल टेप लगी हुई है जिससे ये फिक्स होएगी. सो सबसे पहले हम जो है इसको खोल लेते हैं. और ये डबल टेप जो लगी हुई है इसकी, तो यहाँ पे डबल टेप पील करने के बाद इसको हम फिक्स करेंगे कुछ इस जगह के ऊपर. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें शेप बनी हुई है इसकी पूरी प्रॉपर, और इसी शेप की हमारी जो ये LED लाइट है पूरी प्रॉपर शेप के अंदर. तो एज इट इज़ हमने इसके ऊपर जो है इसको फिक्स कर देना है. तो यहाँ पे हमारी लाइट जो है पूरी प्रॉपर फिक्स हो चुकी है, और इसकी वायर जो है हम इसके साइड में से ही निकालेंगे कुछ इस जगह से, या हम इस जगह से चाहें तो हम इसके अंदर एक छोटा सा होल करके इसके पीछे से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे हमारा जो है पार्ट के अंदर जो है एक होल हो जाएगा छोटा सा, जो कि हम करना नहीं चाहते इसके अंदर. तो हम इसकी वायर जो है एज इट इज़ ऐसे ही बाहर रखेंगे, और हमारा जो पार्ट है 3M की डबल टेप से फिक्स हो चुका है, जो कि इतनी आसानी से निकलेगा भी नहीं. और सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो है इसका ये इग्निशन लॉक, जो कि ये ग्रीन कलर का पार्ट है. हम इसको भी रिप्लेस करेंगे. तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमें इसे निकालने के लिए इसको यहाँ से इस टाइप से पकड़ के इस तरीके से बाहर निकाल देना है और ये निकल जाएगा. तो ये कुछ इस टाइप का होता है जो कि कंपनी से लगा हुआ आता है, यहाँ पे देख सकते हैं. और जो हम इसमें लगाने वाले हैं वो होने वाला हमारा कुछ इस टाइप का. तो यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसके अंदर और कलर का डिफरेंस है. बाकी ये जो ग्रीन कलर का है यहाँ पे ब्लैक कलर में आता है, और इसके अंदर जो LED है वो कोई भी कलर की हो सकती है, ब्लू, वाइट या ग्रीन. जो हमारी वाली ये LED है ये है हमारी इसके अंदर वाइट कलर के. तो इसको फिक्स करने के लिए भी बहुत आसान तरीका है. तो सबसे पहले इसकी वायर खोल लेते हैं, और यहाँ पे एक देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि ये है इसकी प्लस वाली वायर. तो ये प्लस वाली वायर है जिसमें ये गांठ वगैरह लगी हुई है, और ये जो इसकी माइनस वायर है. तो इसको फिक्स करने के लिए हमें कुछ इस जगह पे इसको इस तरीके से रखना है और इस तरीके से इसको अंदर पुश कर देना है. तो यहाँ पे ये पूरी प्रॉपर फिक्स हो चुकी है बिना किसी ग्लू और बिना किसी चीज़ के. तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी प्रॉपर फिक्सिंग होने के बाद अब हमें इसका जो कनेक्शन करने हैं, तो कनेक्शन करने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ से ये दो स्क्रू जो दिए गए हैं, जो यहाँ पे ये दो स्क्रू दिए गए हैं इनको खोलना पड़ेगा. और एक स्क्रू हमारा यहाँ पे है इस जगह के ऊपर. तो इनको हम थोड़ा थोड़ा खोल के और इन दोनों ऊपर वाले स्क्रू को खोल के इसका जो हेड है थोड़ा सा हम आगे कर लेंगे. सबसे पहले जो है हम इसके ये बोल्ट खोल लेते हैं यहाँ पे, जो कि 10 नंबर की गोटी से खोलेंगे. तो ये स्क्रू खोलने के बाद
हमें हेड को थोड़ा सा ऐसे इसी टाइप से आगे कर लेना है। बाकी नीचे के स्क्रू हमें ढीले करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, बिना स्क्रू ढीले करे हमारा जो हेड थोड़ा सा आगे हो चुका है। तो अब हमें जो कनेक्शन करने हैं वो करने हैं इसके इग्निशन के इसके अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर की जो वायर है, इसमें ऑरेंज और ब्लैक यहाँ पे देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑरेंज और ब्लैक कलर की वायर है। इसके अंदर हमने इसके प्लस के कनेक्शन करने हैं, और इसको खोलने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ से थोड़ा सा इसको प्रेस करना है और बाहर की तरफ इसको खींचना है, तो ये इस टाइप से बाहर आ जाएगा हमारा। और जो हमारे प्लस के वायर की कनेक्शन है यानी कि इसके पॉजिटिव के, वो हमने इस जगह के ऊपर देने हैं बिना वायर कट किए। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है लॉक से हटके जो विंग वाला है, तो इसकी भी हम वायर के कनेक्शन और इसकी भी जो वायर के कनेक्शन है इकट्ठे कर लेते हैं। तो कुछ इतनी लंबी हमने इसकी जो वायर छीलनी है, और इसके अंदर कुछ इस टाइप से लगानी है, और लगाने के बाद जैसे ही हमारा ये कपलर है इसको फिक्स कर देना है। यहाँ पे जो हमारे प्लस के कनेक्शन हो जाते हैं कंप्लीट, तो यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद जैसे हम चेक कर लेते हैं इसकी की लगा के, तो जैसे ही हम इसकी की ऑन करते हैं तो उसी के साथ साथ हमारा जो ये लॉक का सिस्टम है जो इस पर वगैरह लिखा हुआ है इग्निशन वगैरह और लॉक वगैरह, तो ये ग्लो करने लग जाता है। और देख सकते हैं आप कितनी शानदार इसकी ग्लोइंग है, और जैसे कि देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है कि कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पा रहा है इसको। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमारा मॉडिफिकेशन का सिस्टम होने वाला है। उतर जा भाई, उतर के ना करके इसको फिर ले, मस्त आ रहा है एकदम, वैसे ही रहेंगे। इस टाइप का हमारा ये सारा सिस्टम हो चुका है। और यहाँ पे जो हमारी विंग लाइट है ये बहुत ही प्यारी लग रही है, जो कि लॉक से भी ज़्यादा प्यारी लग रही है, क्योंकि इसके अंदर है लाइटिंग थोड़ी एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो कुछ ही हमारा कैप्चर नहीं कर पा रहा है इसको कैमरा, तो कर देते हैं इसको फिट। साथ सारे कनेक्शन हमारे हो जाते हैं कंप्लीट, और यहाँ पे ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है बाइक, जो कि हमारी मॉडिफिकेशन करने वाली थी हमने इसमें कर दी है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसके अंदर दो आइटमें फिट की हैं, जो कि एक लॉक के ऊपर और एक ये विंग है। इसके ऊपर एक पेपर लगा हुआ है, वो हम उतार देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे इसके ऊपर से एक पेपर उतार देते हैं, इसकी असली शाइनिंग इसमें से बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी शाइनिंग है इसके अंदर। और जैसे ही हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम इसकी चाबी ऑन करते हैं, तो यहाँ पे ये ग्लो करने लग जाती है, और यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पा रहा है इसको कैमरा बिल्कुल भी कि इसकी क्या लुक है। और मैं आपको इसको फ़ोन के अंदर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं फ़ोन के ऊपर फोकस करता हूँ, और फ़ोन के अंदर से आप देख सकते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं कि शानदार लग रही है और इसका मीटर जो है बहुत ही शानदार स्टार्ट होता है जब हम स्टार्ट करते हैं। थी हमारी आज की वीडियो जो कि थी हमारी अपाची आरटीआर के ऊपर, क्योंकि हमारी मॉडिफिकेशन की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली नई वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबाते जाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे ऐसी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए।